हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी एक प्रोबायोटिक फूड है जिसका ओरिजिन हमारे इंडिया में ही हुआ था, जिसको हम पिकल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज की रेसिपी कैरेट एंड रेडिश चिली पिकल। पिकल्स जो हैं वो प्रोबायोटिक फूड में काउंट होते हैं। प्रोबायोटिक फूड जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये टर्म, लेकिन आप सबको पता होगा कि हम लोगों का तो ट्रेडिशन है पिकल बनाना और खाना। तो क्या है ये रेसिपी, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कैरेट एंड रेडिश चिली पिकल। क्या चाहिए हम इसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये ली हैं रेडिश, 2 मीडियम साइज रेडिश ली हैं मैंने। इनको पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे। मैं आपको एक ही रेडिश कट करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आप कट कर लें उसको अच्छे से। पहले मैंने इसको वॉश किया है, उसके बाद इसको ड्राई करने के बाद फिर इसको कट किया है। आपको भी ऐसा ही करना है। ये मैं इस तरह से यहाँ पे कैरेट लूँगी और उसको बीच में जो उसका हार्ड पोर्शन होता है वो उसको निकाल देंगे हम। उसको बिल्कुल क्लीन नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा जितना कट कर सकते हैं ऊपर का पार्ट उतना कर सकते हैं। और इसी तरह से इनको कट करना है और डालना है। तो मैं गाइस आप लोगों से बात कर रही थी कि प्रोबायोटिक फूड क्या होता है। प्रोबायोटिक फूड के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.chefruchikajain पर भी जा सकते हैं और वहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी व्हाट इज़ प्रोबायोटिक फूड और ये क्यों इतना हेल्दी होता है और क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ये मैंने इस तरह से यहाँ पे कैरेट कट कर लिए हैं। विंटर्स में बनाया जाने वाला सबसे पॉपुलर पिकल आप कह सकते हैं ये है, क्योंकि बहुत इंस्टेंट होता है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में और बहुत जल्दी बन जाता है। ये मैंने यहाँ पर चिली ली है, मैं काफ़ी कम चिली ले रही हूँ, आप चाहें तो चिली बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि चिली जो है काफ़ी स्पाइसी होती है, तो जितना आपको स्पाइसी खाना है उसके हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। इसको बीच में से कट करके मैंने इसे सीड्स निकाल ली हैं इनके सबके। और अब ये देखिए गाइस, जो मैं बनाऊंगी ये वाला पिकल, इसकी प्रिपरेशन बहुत इजी है। मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल भी बॉयल नहीं करूँगी, सिर्फ हमें इस तरह से इसको एक छलनी में डाल के 1 डे के लिए सनलाइट में रखना है और इसको जो इसका पानी होता है, जो वेजीज में जो मॉइस्चर होता है उसको ड्राई कराना है हमें। ये इस तरह से देखिए, 1 दिन के बाद में ये ऐसे दिखने लगेंगी। थोड़ा सा आप देखेंगे ऊपर से तो थोड़ी सी ड्राई दिखेंगी आपको। काफ़ी सारे लोग इसको बॉईल करके बनाते हैं, बट हम यहाँ इसको बॉईल नहीं करेंगे क्योंकि जो रेडिश एंड कैरेट पिकल होता है वो थोड़ा सा क्रंची होता है तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर बॉयल नहीं करेंगे। और प्लस इसको इस तरह से बनाने से इसकी जो लाइफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने किसी भी तरह का वाटर एक्सपोजर इसको नहीं दिया है, तो हमें ये ऐसे ही बनाना है। ये यहाँ पर मैं गर्म करा हुआ 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, उसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स डाले हैं जो पिसे हुए हैं। ये 1/2 टेबल स्पून मैंने सौंफ डाली है दरदरी पिसी हुई। ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, आप इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़्यादा चिली लेनी है तो। आपको 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है एंड ये 1/2 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। पिकल में थोड़ा सा सॉल्ट ज़्यादा ही होता है, हमारे इंडियन खाने की बहुत बड़ी पहचान होते हैं ये पिकल्स। कहा भी जाता है कि अगर खाने में अचार ना हो तो फिर मज़ा ही क्या आता है। तो अचार बहुत तरह से बनाए जाते हैं आपको पता है, उसमें से ये आज एक इंस्टेंट अचार बनाना हम सीख रहे हैं। ये मैंने सारे इसमें मसाले ऐसे मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद अब हम इसको एक बर्नी में, किसी भी ग्लास जार में या इस तरह की जो पिकल बर्नी होती है उसमें डालेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो बर्तन जिसमें हम अचार डाल रहे हैं वो बिल्कुल सूखा हुआ और एकदम साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कुछ लगा हुआ गंदा नहीं होना चाहिए और ना ही पानी होना चाहिए। और अचार को जिस भी बर्तन में हम भरते हैं, ग्लास जार में या बर्नी में, कोशिश करें कि उसको अच्छे से टाइट भरें। उससे क्या होगा कि जो अचार जब बिल्कुल एकदम टाइट भरा जाएगा तो उसमें गर्मी पैदा होगी और वो जल्दी तैयार होगा बनके। और इस तरह से ऊपर इसका ढक्कन हमें टाइट करके लगा देना है। और अब हम ये इस पिकल को 3 दिन के लिए ऐसे छोड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में हमें इसको हिलाना भी है। ये देखिए 3 दिन के बाद इस तरह से हमारा ये पिकल रेडी हो जाएगा। तो गाइज़ बताइए ये इजी रेसिपी और इंस्टेंट पिकल आपको कैसा लगा, मेरे चैनल पे कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।